हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं क्लास टेंथ का और एक्सरसाइज नंबर 3.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो ठीक है बच्चों, तो जैसा कि इसमें हमारे पास एक ये विधि दी हुई है जिसको हमने क्या बोलना है, प्रतिस्थापन विधि। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे पहली समीकरण बच्चों ये है हमारे पास, दूसरी समीकरण बच्चों ये है हमारे पास। अब इनको हमने करना है सॉल्व। तो सबसे पहले हम करते हैं सेकंड समीकरण को, क्योंकि ये हमारी किसमें है, भिन्न बनी हुई है इसमें, तो पहले इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, यहाँ से समीकरण जो है लेके आते हैं, एस बटे तीन जमा टी बटे दो बराबर में आ गया है बच्चों 6। सॉल्व करने का क्या रूल है इसका, सबसे पहले हमेशा नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम हम बच्चों यहाँ ले लेते हैं 3 का और 2 का। तो सीधी सी बात है, 3 एकम 3, 2 का 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, तो 3 गुणा में 2 यानी 3 दूनी 6। तो एलसीएम बच्चों हमारे पास 6 आ गया है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, 3 से 6 को क्या करते हैं, भाग। तो भाग करेंगे, तो 3 से 6 को भाग करेंगे तो हमें 3 दूनी 6 यानी कि 2 मिलेगा, और 2 से 6 को भाग करेंगे तो बच्चों हमें 3 मिलेगा। ठीक है, अब 2 की गुणा एस में करेंगे तो बनेगा 2s, और 3 की गुणा टी में करेंगे तो बनेगा 3t। सबसे पहले 6 के नीचे हम लगा देंगे 1, यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची वाली गुणा। तो सबसे पहले 1 की गुणा करेंगे बच्चों हम, 2s मिलेगा, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो हमें मिलेगा 3t, और 6 की गुणा 6 में करेंगे तो हमें मिलेगा 6 कम 6 कम 36। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें अब ये समीकरण मिल चुकी है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको अब हम यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह हम रखते हैं जो हमने अभी किया है सॉल्व। तो जो हमने सॉल्व किया है वो समीकरण बच्चों कौन सी आई है हमारे पास, 2s जमा 3t बराबर में कितना है 36। तो इसको मानते हैं हम अपनी सेकेंड समीकरण, दूसरी समीकरण। तो ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा यहाँ से करते हैं रब, ताकि हमारा सवाल इसमें पूरा कंप्लीट आ सके। तो इसको मिटाते हैं हम यहाँ से। अब जैसे कि हमने क्या करना है, पहली समीकरण को लेते हैं, तो पहली समीकरण है बच्चों s माइनस t बराबर में 3 है। ये जो t है जब ये इस तरफ चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। तो यहाँ से हमको ये मिलता है, s का मान मिल गया है हमको 3 जमा t। अब ये जो मान आया है हमारा s का, इसको हम रखेंगे दूसरी समीकरण में रखेंगे बच्चों, सेकंड समीकरण में रखेंगे। तो सबसे पहले कैसे रखना है, देखो 2s जमा 3t बराबर में 36। अब जहाँ पे देखो हमारा s है वहाँ पे हम रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों, हम s की वैल्यू। तो 3 जमा t जमा 3t बराबर में 36। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, 2 की गुणा t में करेंगे 2t, आगे हमें मिलेगा यहाँ पे 3t बराबर में 36। अब देखो यहाँ, अब ये कितना हो जाएगा, 6 जमा 3 और 2 5t बराबर में 36। अब ये जो 6 है बच्चों, ये यहाँ पे किसका है, प्लस का। जब ये इस तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, 36 माइनस 6। ठीक है बच्चों, ये 36 माइनस 6 आ गया है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 5t, तो 36 में से 6 गए तो हमें कितना मिलेगा, 30। यहाँ से t निकाला हमने और ये हो जाएगा 30 बटे में 5,
तो ये कितने पे कट जाएगा बच्चों, 5 6 30। तो यहाँ से हमको t की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 6 मिल गई है। अब ये जो मिली है हमको यहाँ पे t की वैल्यू 6, इसको अब हम रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमको फिर s की वैल्यू मिल जाएगी, तो 3 जमा, अब यहाँ पे t की जगह पे 6 रख दीजिए, तो s बराबर 9। तो बच्चों इसमें दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, एक आएगी t की वैल्यू और एक आएगी इसमें s की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर। तो ये था बच्चों हमारा 3.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जो थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। डन।